त्रैमासिक परीक्षा 2024 से 25 कक्षा 12वीं विषय इतिहास। प्रश्न 1। सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थलों के नाम लिखिए। प्रश्न 2। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में हैं? प्रश्न 3। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचारक कौन थे? प्रश्न 4। वंश क्या होता है? प्रश्न 5। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? प्रश्न 6। किताब उल हिंद किसकी कृति है? प्रश्न 7। मीराबाई ने किसकी भक्ति में काव्यों की रचना की? प्रश्न 8। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न 9। सिजदा क्या है? प्रश्न 10। चंचर किसे कहते हैं? प्रश्न 11। अशोक के धम्म की विशेषताएं लिखिए। कोई 3। प्रश्न 12। भक्ति परंपरा की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 13। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, अथवा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। प्रश्न 14। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा आईने अकबरी का वर्णन कीजिए। प्रश्न 15। निम्न को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। 1. लोथल 2, इंद्रप्रस्थ 3, सोपारा 4, अमरावती 5, सारनाथ 6, नर्मदा नदी। अथवा 1. हिंद महासागर 2, गोदावरी 3, सांची 4, कालीकट 5, रंगपुर 6, कोचीन। प्रश्न 16। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, व्याख्या कीजिए, अथवा मगध साम्राज्य की स्थापना में मिली सफलता के कारणों की व्याख्या कीजिए। 17. कृषि प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति पर विहंगम दृष्टि डालिए, अथवा अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, वर्णन कीजिए।